गुड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आसन आ हैंडफुल साल्ट हैंडफुल ऑफ साल्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल मुठ्ठे भर नमक और जैसे ही नमक की बात आती है हमें किसका चेहरा याद आता है गांधी जी का चेहरा याद आता है क्यों क्योंकि हमें पता है हमारे देश में नमक बनाने की जो स्टार्टिंग थी शुरुआत थी वो किसने की थी गांधी जी ने की थी क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ कर रही थी और हमारे उस इंडियन जो थे वो एबल नहीं थे उस टाइम पे इतना टैक्स देने के लिए जस्ट नमक के ऊपर तो गांधी जी को ये बात रास नहीं आई कि नमक के ऊपर कौन टैक्स लगाता है तो उन्होंने क्या किया अपना ही एक नमक बना डाला कहते हैं ना अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें होता नमक कानून ठीक है तो ये किसने बनाया गांधी जी ने बनाया तो इन दिस स्टोरी वी विल स्टडी अबाउट गांधी जी लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे इट इज़ रिटर्न बाय सुभद्रा सेन गुप्ता इज रे राइटर ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन फिफ्टी टू एंड स्टिल अलाइव ही इज नोन टू ब्रिंग हिस्टोरिकल करेक्टर एंड प्लेस टू लाइव थ्रू हर स्टोरी फॉर चिल्ड्रन बेसिकली वो हिस्टोरिकल uh, इवेंट्स पर बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते हैं मैनी ऑफ हर चिल्ड्रेंस बुक्स स्टोरिकल फ़िक्शन शी ऑल्सो राइट्स ट्रेवल्स स्टोरी भी लिखते हैं डिटेक्टिव स्टोरी भी लिखते हैं घोस्ट की स्टोरीज भी लिखते हैं एज वेल एज कॉमिक स्ट्रिप्स भी लिखते हैं वो ज़्यादा वो बच्चों के ही पोइट हैं ये कह सकते हैं हम बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग पोइट्स स्टोरी लिखते हैं थ्री ऑफ हर बुक्स उनकी तीन बुक्स ऐसी हैं अ क्लाउन ऑफ नेनली रामा जोधा बाई ट्वेल्व ओ क्लॉक घोस्ट स्टोरी जिन्होंने क्या किया है प्राइज वॉन किया है मीन्स अवार्ड वॉन किया है और शी इज ऑल्सो रिसिपेंट ऑफ सत्या इस बाल सत्या पुरस्कार ऑफ़ फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश मीन्स उनको बहुत सारे क्या मिले हैं अवार्ड्स मिले हैं बच्चों की पोइट्री के लिए क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज पोएट्री ये सब लिखते हैं ओके अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इज़ वन ऑफ देम लेट्स स्टार्ट आई थिंक सिक्सटी वन ईयर्स ओल्ड महात्मा आर्म्ड विद नथिंग बट अ वॉकिंग स्टिक मार्च टू द सी विद अ क्राउड ऑफ फॉलोअर्स मतलब एक साठ साल का सिक्सटी वन ईयर्स मतलब एक इकसठ सिक्सटी वन ईयर्स ओल्ड महात्मा गांधी जो थे उनके हाथ में कुछ नहीं था बस एक वॉकिंग स्टिक थी जिससे वो क्या कर रहे थे चल रहे थे मार्च मीन्स पैदल चलना कहाँ जा रहे थे टू द सी किसके साथ अपने फॉलोअर्स के क्राउड के साथ फॉलोअर्स कौन होते हैं जो उनको फॉलो कर रहे थे रीड वॉट फैशनेटेड टू यंग बॉयज़ इन स्मॉल विलेज इन गुजरात एज दे वेटेड फॉर बापू इस स्टोरी में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे दो यंग बॉयज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फैशनेटेड मीन्स उत्सुक थे दो की गाँव में गुजरात के गाँव में वो वेट कर रहे थे किसका बापू का जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आए और हम सारा दिन वेट करते हैं ना ऐसे ही उस टाइम पे जो सेलिब्रिटी बापू थे वो दोनों बच्चे उनके लिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना था तो वो उनकी एक झलक देखना चाहते थे कि हाँ आखिर में बापू होते कैसे हैं बापू हैं कैसे दिखते कैसे हैं तो ये पूरी स्टोरी दो बच्चों पर है धानियन गोकुल के लेट्स धनियन गोकुल क्लाइंट आप द टॉलेस्ट पीपल ट्री It was the best spot for a long-distance view. They could see the rough village track for a mile as it snaked away beyond the huddle of mud tatched hut hard-to-run along the Sabarmati River. This morning, the river lay glistening in the early morning light. देखो धानीगोकुल क्या करते हैं अपने घर से फटाफट से भाग आते हैं और अर्ली मॉर्निंग में ही tallest people के ट्रिपर चढ़ जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इट वॉज़ द बेस्ट पार्ट ये एक बेस्ट पार्ट था जिससे कि वो सारे पूरे गांव का जो स्पॉट है उसको दूर तक देख सकें दूर तक डिस्टेंस का व्यू देख सकें क्योंकि उनको ये था कि जैसे ही गांधी जी आएंगे हम कूद पड़ेंगे और उनके साथ चलना शुरू करेंगे उनको देखेंगे वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे इसलिए वो बहुत लॉन्ग सेट पीपल ट्री पर चढ़ बैठ गए अब पीपल ट्री से क्या कर सकते थे वो देखो सीधा रफ विलेज ट्रैक जो उनका रफ़ विलेज ट्रैक था वो उसको देख सकते थे बियॉन्ड मतलब Beyond the hurdle of mud, hut. mud that हट मड तैट डैट हट मीनिंग फूस और मिट्टी hurdle means जमावड़ा ठीक है तो वहाँ पर जितना भी वो जमावड़ा लगा हुआ था ना जितनी भी हट uh, थी और ये सब था वो उस पीपल ट्री के थ्रू उस हट के उन चीज़ों के पार देख सकते थे अलॉन्ग द साबरमती रिवर ओके okay, और वो कहते हैं कि दिस मॉर्निंग जो आज की जो सुबह मॉर्निंग uh, थी वो रिवर बहुत ग्लिसनिंग ग्लिसनिंग मीन्स चमकना चमक रही थी और सुबह की लाइट से नो वन नो वन द प्रोसेशन वुड कम कोई नहीं जानता था कि प्रोसेशन मीन्स जुलूस कब आएगा सो द टू सो द टू बॉयज़ हैड कम प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग वेट तो इसलिए वो लंबे इंतजार के लिए प्रिपेयर होकर आए थे दे वर केयरिंग अ स्मॉल क्लोथ बंडल ऑफ चपातीज एंड कपल ऑफ बनानाज अब वो लंबे इंतज़ार के लिए तो भूख तो लगनी लाजमी सी बात है भूख तो लगेगी ही लगेगी तो इसलिए आज भी गांव में क्या करते हैं जो कपड़ा होता है ना उसमें रोटियां बांधकर लोग खेतों में ले जाते हैं अपने फार्मर्स जो होते हैं लेके जाते हैं तो ऐसी वो बंडल ऑफ चपाती से छोटे से कपड़े में लेकर आए और कुछ बनानाज लेकर आए ताकि भूख लगे तो खा सके धानी टर्न टू हिज फ्रेंड एंड आस्क धानी क्या करता है अपने दोस्त से पूछता है उसका दोस्त कौन है गोकुल हाउ विल हाउ विल वी नो when पापू इज़ कमिंग वो कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा बापू आ रहे हैं विल देअर बी सम वन बीटिंग अ ड्रम सिंगिंग एंड डांसिंग वो कहते हैं कि क्या कोई ड्रम बजाएगा डांस करेगा तो मतलब डांस करेगा कोई ड्रम बजाएगा तो गोकुल क्या करता है गोकुल ग्राइंड एंड शुक हिज हैंड वट डू यू थिंक दिस इज़ अ नाटंकी शो ग्राइंड मीन्स मुस्कुराना फुसफुसाना मतलब एक अजीब सी हंसी है और उसके हाथ एंड शुक हेड कहते तो तुझे क्या लगता है नौटंकी शो होने वाला है कि ड्रम बजेंगे गाने बजेंगे डांस होगा द विलेज हैड बीन चॉकिंग ऑफ नथिंग एल्स बट द मार्च फॉर द डे वो कहते हैं गाँव में लोग ना कोई बात नहीं कर रहे थे बस ये बोल रहे थे मार्च ऑफ द डे मार्च मीन्स जब हम पैदल चलते हैं ना उसको हम मार्च कहते हैं मार्च आपने परेड देखी होगी उसमें भी वो लोग मार्च कर रहे होते हैं तो इसी तरह से कहते हैं कि गांव में मैंने कुछ नहीं सुना बस यही सुना कि आज मार्च होने वाली है फ्रॉम <coughs>

फेस एक्सप्रेशन से बर्निंग इंग्लिश गुड्स वेअरिंग खादी मतलब इंग्लिश जो थे उस टाइम पे ब्रिटिश जो थे उनके कपड़ों को जलाकर उनकी चीज़ों को जलाकर खादी पहनने लगे दैट्स मेड सेंस ये समझ में आ रहा है कुछ वाई वॉक फॉर डेज एंड नाइट देन इंस्टेंट ऑफ अ बिग एग्जिस्टिंग बोन फायर ऑफ फॉरन गुड्स मेक सॉल्ट वो कहते हैं दिन रात चल कर, हम ये कर रहे हैं क्या ये समझ में आ रहा है और हमने इंग्लिश चीज़ों को जला दिया तो अब वो जो धानी है वो रिप्लाई करता है डू यू नो क्या तुम्हें पता है ऑल इंडियन हैव पे अ साल्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट कि नमक के ऊपर ब्रिटिशस को टैक्स देना पड़ रहा है गोकुल आंसानी इवन द पुअरेस्ट पीजेंट पीजेंट मीन्स किसान हैज़ टू पे द टैक्स मतलब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं इम्पोज कर रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं नमक के ऊपर और इवन जो पुअर पीजेंट है गरीब किसान हैं <coughs> उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है बापू इज़ प्रोटेस्टिंग बिकॉज ही थिंक्स इट इज़ वेरी अनफेयर टैक्स बापू ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत अनफेयर है ये तो गलत है ये टैक्स नहीं लगना चाहिए बाय लॉ कानून कहता है वी आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट उस टाइम पे कानून कहता था कि हमें अलाउड नहीं है नमक बनाना वी हैव टू बाई इट फ्राम द गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट से ही खरीदना चाहिए सो ही ही विल डिफी द लॉ एंड मेक सॉल्ट हिमसेल्फ डेफी मींस uh, कोई चीज़ बहुत मुश्किल है बहुत कठिन है वो कह रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं वो उस कानून को तोड़कर नमक बनाने जा रहे हैं खुद से पीपल ऑल ओवर द कंट्री विल ब्रेक द लॉ पूरी कंट्री क्या कर रही है इस इस डिफ़िकल्ट से लॉ को वो क्या कर रहे हैं ना यूज कर कर खुद से नमक बनाने जा रहे हैं और पूरी कंट्री अब इस लॉ को ब्रेक कर रही है एट द सेम टाइम बाय मेकिंग सॉल्ट उनके साथ नमक बनाकर वाह धानी ग्राइंड फिर से धानी मुस्कुराता ग्राइंड हिज क्लेवर इजंट इट आर बापू केचा हमारे बापू बहुत चतुर हैं वो कहता हमारे बापू क्या हैं बहुत ज्यादा चतुर हैं हियर आई वाज या सो द टू ऑफ देम लींड बैक अगेंस्ट द फ्रेंडली ट्रंक ऑफ द ट्रीज द लीव्स एंडBranches shivered and the soft breeze made dhani sleepy

फ्यू आर्स कुछ घंटे लगते हैं देन दे शुड भी देयर एनी टाइम नाउ धानी सर एग्जैक्टली वो कहता है अब वो किसी भी टाइम आ सकते हैं धानी ने कहा दिस स्क्ट इगरली डाउन द रोड एंड टुगेदर ये आर कमिंग वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्विंट लुक विथ पार्शली क्लोज आई टू सी क्लियरली ओके अब वो देखता है कि कुछ चीज़ें जो हैं पास में आ रही हैं रोड डाउन टुगेदर य वो चिल्लाया कि वहाँ से कुछ चीज़ें साथ में आ रही हैं दे आर कमिंग उसने कहा वो आ रहे हैं द प्रोसेशन मीन्स जलूस वो कहता है कि जलूस द प्रोसेशन लुक लाइक अ मूविंग वाइट स्ट्रीम फ्लोइंग टूवर्ड्स दैम वो कहता है जो जलूस है वो सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि कोई वाइट कलर की नदी फ्लो कर कर हमारी तरफ आ रही है द बॉयज सेटअप एंड द विलेजर्स अंडर द ट्री गॉट टू देअर फीट क्रेनिंग देयर नेक वो कहता है द बॉयज़ सेटअप बैठ जाते हैं और विलेजर्स जो हैं अंडर द ट्री गॉड दे आर फीट क्रेनिंग क्रेनिंग मीन्स जैसी लंबी सी नाक होती वो गर्दन होती है दे आर नेक मतलब ऊंची अपनी गर्दन को उठाकर और अपने पैरों को तेजी से चलते हुए आ रहे हैं द वाइट रिवर कैप्ड कमिंग क्लोजर वो कहता है जो वाइट रिवर किसको कह रहे हैं जो जुलूस है प्रोसेशन है गांधी जी के साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वाइट रिवर से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कहते हैं वाइट रिवर कैप्ड कमिंग क्लोजर हमारे पास आ रही है लीडिंग द वे एट अ ब्रिस्क प्लेस पेस सॉरी वॉज अ थिन फिगर क्लैड इन शॉर्ट वाइट खादी धोती एंड वाइट एंड विद अ लार्ज खादी शॉल रैप्ड ओवर हिज सो वो कहते हैं अब यहाँ पे आपस में बातें कर रहे हो और कह रहे हैं कि लीडिंग द वे एट अ ब्रिस्क ब्रिस्क क्या होता है फुर्तीला एक पतला सा फुर्तीला सा आदमी एक क्लैड मीन्स क्लैड मीन्स होता है विशेष प्रकार की किसी ने कोई कपड़े पहने तो उनकी विशेष प्रकार की क्या थी धोती थी वो लुंगी पहनते थे और एक शॉल था उसको पूरी तरह से रैप कर लेते थे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सी दिस इज गांधी जी आप लोग अपनी बुक में देखना आपको मिलेगा ठीक है तो उन्होंने पूरा का पूरा रैप किया हुआ था इस टोरसो टोरसो क्या होता है देखो टोर्सो होता है जो हमारे जो शोल्डर होते हैं ना जो हमारा सर होता है जैसे हम बोलते हैं धड़ ये पूरा इधर का हिस्सा जो होता है मतलब उसको पूरा कवर किया हुआ था टोर्सो ही स्टोर डाउन द रोड लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल वॉकिंग स्टिक लीनिंग अब वो स्टोर डाउन मतलब वो छड़ी को लेकर झुक कर अपनी जो उनकी स्टिक थी वो उसके साथ थोड़ा सा झुक कर चल रहे थे धानी स्टेयर्ट घूर रहा था एट द स्मॉल ग्रैंड फादरली फेस अब उनको धानी ने क्या बना दिया ग्रैंड फादरली फेस में वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर की तरह ही उनका फेस है द बल्ट क्या होते हैं जो गंजा इंसान होते हैं जिसके सर पर कम बाल होते हैं बॉल्ट वो होते हैं बाल्ट हैड द राउंड स्पेक्टिकल्स चश्मे थे द वॉच स्विंगिंग एट हिज वेस्ट एंड थॉट इन ट्रिम सो दिस इज बापू ये पूरा एक्सप्लेनेशन बापू का है कि उन्होंने क्या पहना हुआ था वाइट धोती पहनी हुई थी शॉल को रैप किया हुआ था थोड़ा सा झुक ही स्टोर डाउन द रोड लीनिंग अगेंस्ट आ टॉल वॉक स्टिक अपनी छड़ी के सहारे चल रहे थे और उनका जो उनका जो फेस था वो ग्रैंडफादरली जैसा था बॉल्ड हेड था राउंड स्पेक्टिकल्स थे उनकी कलाई पर क्या थी घड़ी बंधी हुई थी और ये सब चीज़ें ट्रेम्प होता है सफल विजय उल्लास बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था सो दिस इज बापू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन आता है बापू को एक्सप्लेन करो तो दिस इज अ पैराग्राफ मोहनदास करमचंद गांधी बापू वॉज द महात्मा और द ग्रेट सोल अब उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है उन्हें बापू कहते हैं और महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल ही लुक लाइक अ बेनिंग फादर बेनिंग ग्रैंड फादर सम वन शुड बी सिटिंग ऑन अ चार पाई इन द विलेज स्क्वायर अंडर शेडी ट्री वो कहते हैं कि ये तो ऐसे दिख रहे हैं बिनाइन ये सॉरी ये बिनाइन है वो कहते हैं कि ही लुक लाइक अ बिनाइन ग्रैंडफादर ये तो उदा बिनाइन क्या होता है बहुत ज्यादा काइंड जेंटल वो कहते हैं ये तो काइंड जेंटलमैन की तरह दिख रहे हैं जो हमारे गांव में चार पाई पर क्या होता है शेडी ट्री के नीचे बैठा रहता है मतलब बैठा रहता है और वो ये भी कहते हैं कि इन्हें तो वहाँ पर बैठना चाहिए कि जैसे हमारे गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे रहते हैं ना चार पर बैठे रहते हैं वहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं बातें कर रहे होते हैं वो कहते हैं इन्हें वहाँ पर बैठना चाहिए इंस्टेंट हेयर इज़ लीडिंग अ लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम यहाँ पर ये वो काम करने की बजाय एक लीडिंग कर रहे हैं लॉन्ग मार्च मतलब एक लंबी यात्रा आज़ादी की

एक इंसान आया उन्होंने उनको गार्लैंड मीन्स क्या होता है माला पहनाई ही वुड स्माइल जेंटली उन्होंने बहुत प्यार से स्माइल किया अनदर वुड रीज डाउन टू हिज फीट दूसरा आया उनके पैर छुए एंड ही वुड रेज हिज हैंड ब्लेसिंग उन्होंने अपना हाथ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठाया बट ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट वो एक भी मिनट के लिए रुके नहीं वॉकिंग विद अ सरप्राइज स्पीड फॉर अ मैन हु लुक सो फ्रेल मतलब इतना कमज़ोर दिखने वाला आदमी फ्रेल मीन्स क्या होता है वीक कमज़ोर नॉट हेल्दी इतना क्योंकि महात्मा गांधी जी बड़े दुबले पतले से थे बट बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे वो कहता है इतना दुबला पतला दिखने वाला आदमी किस तरह से एक भी मिनट के लिए रुक नहीं रहा है और सरप्राइजिंगली वॉक किए जा रहा है पीपल जॉइंट द मार्च फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द रोड जो लोग थे उन्हें ज्वाइन कर रहे थे दोनों साइड से इधर राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी एंड वाइट रिवर कैप्ड व्हाइट रिवर किसको कह रहे हैं प्रोसेशन को कह रहे हैं जो उनका जो लूज आ रहा था गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर अब जो ये वाइट कलर की रिवर थी ये बढ़ती ही जा रही थी मीन्स जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही थी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑल वर गोइंग टू मेक औरतें बच्चे आदमी सभी के सभी क्या बनाने जा रहे थे नमक बनाने जा रहे थे बाय नाओ दॉयज वर हैंगिंग आउट ऑफ द ट्री अब क्या करते हैं दोनों जो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं पेड़ के ऊपर अभी तक वो पेड़ के ऊपर ही थे अब क्या करते हैं हैंगिंग आउट बाहर निकलते हैं गांधी जी कैप कमिंग क्लोजर कि गांधी जी अब पास आ रहे हैं एंड

सच एडोरेशन एंड स्माइल दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ स्माइल कर रहे हैं और पेड़ से नीचे आकर क्या करते हैं क्राउड को ज्वाइन कर लेते हैं पीपल वॉकिंग विद दैम जो लोग वहाँ पर चल रहे थे उनके साथ क्राउड को ज्वाइन कर लेते हैं दे फॉरगेट अबाउट वट देअर पेरेंट्स वुड से वो ये भूल जाते कि उनके माँ बाप ने क्या कहा था शायद वो परमीशन लेकर आए थे कि हम वापस आ जाएंगे लेकिन वो भूल जाते हैं उनके पेरेंट्स ने क्या कहा था दे डिड नॉट वरी अबाउट व्हाट दे वुड ईट और हाउ दे वुड गेट बैक उन्हें ये भी अब चिंता नहीं हो रही थी वो क्या खाएंगे और किस तरह से रहेंगे हाफ द विलेज वॉज गोइंग एनी वे आधे से ज़्यादा गांव जा रहा था आधा गांव जा रहा था बापू हैड कॉल दैम हाउ कुड दे से नो बापू ने उन्हें बुलाया था तो वो कैसे मना कर सकते थे सो दे वॉकड वो चल रहे थे इट्स इट सीम्सड एज इफ द होल ऑफ इंडिया वॉज वॉकिंग विद दैम ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत उनके साथ चल रहा है देअर वर ऑल्सो द वाइट स्किन ब्रिटिश मेटल बॉक्सिस ब्रिटिश मेटल बॉक्सेज दैट हेल्प टू देयर आइज एंड क्लेक्ट वाइट स्किन ब्रिटिश द मेटल बॉक्सिस कौन हुआ भाई यू कैन सीन दिस पिक्चर ये पर्सन मीन्स मीडिया रिपोर्टर जैसे आज हमारे यहाँ होता ना मीडिया रिपोर्टर वो इंग्लिश वाले मीडिया रिपोर्टर थे जो आए और उन्होंने क्लिक करना शुरू किया पिक्चर्स को अम मैन टोल दैम दैट दीज बॉक्स टू पिक्चर एंड गोकुल रियलाइज विद डिलइट दैट हिज पिक्चर हैड बीन टेकन टू वो ज़्यादा खुश हुए उन्होंने कहा आपस में जो लोग बात करते उन्होंने कहा ये लोग पिक्चर ले रहे हैं तो गोकुल रियलाइज विद डिलइट दैट हिज पिक्चर हैड बीन टेकन टू कि उसकी भी पिक्चर को लिया जाए ऑल द वाइल्ड द वाइट रिवर कैप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर ऑल द वाइल्ड इन सभी चीज़ों के साथ जो वाइट रिवर थी जो प्रोसेशन था जो उनका जुलूस आ रहा था वो क्या हो गया धीरे धीरे बढ़ता चला गया लॉन्गर एंड लॉन्गर बापू चैटिंग स्मालिंग वेविंग एंड नोडिंग मार्च ऑन बातें भी कर रहे थे स्माइल भी कर रहे थे वेविंग हाथ भी ला रहे थे नोडिंग मीन्स अपनी गर्दन को झुकाना अगर कोई बात करता है तो जवाब देने के लिए तो वो भी कर रहे थे और मार्च तो कंटिन्यू थी वो रुक नहीं रहे थे चाहे कुछ भी हो रहा था बीच में बट वो नहीं रुके दे वेंट थ्रू द विलेज वेयर द रोड वॉज कवर्ड विद लीव्स एंड फ्लावर्स ओवर मड पडल्स एंड स्टोनी ट्रैक अब जो ट्रैक था वो कैसा था रोड पूरी तरह पत्तियों से कवर थी फूलों से पूरे फूल पत्तियों से कवर थी जिससे लोगों ने ना उनके वेलकम के लिए बिछा दी हो ओवर द मड पडल्स ओवर द मर्ट पडल्स क्या होता है जैसे छोटे छोटे कहीं पानी भर जाता ना मिट्टी हो जाती है उस तरह के एंड स्टोनी ट्रैक ट्रैक पे स्टोनी पत्थर भी थे दे सोन स्टॉप टू रेस्ट फॉर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द आफ्टरनून थोड़ी देर के लिए वो रुक गए क्योंकि जो गर्मी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी आफ्टरनून दोपहर के टाइम में द विलेज वुमेन ब्रॉड फूड फॉर एवरी वन वेजिटेबल एंड चपाती जो गाँव की औरतें थीं वो उनके लिए क्या लेकर आई खाना लेकर आई चपाती लेकर आई फूड लेकर आई वॉट इज़ बापू eating? ईटिंग अब उनके दिमाग में फिर क्वेश्चन आ गया बापू क्या खाएंगे? धन wondered anxiously एनशियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आखिर ये खा खाएंगे? विद ऑल दिस वॉकिंग ही विल नीड अ लॉस ऑफ एनर्जी वो जान जानने का बड़ा इच्छुक था एनशियसली बहुत इच्छुक था ये जानने का कि इतना ज़्यादा चल कर तो सबकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो इनको तो अब एनर्जी चाहिए होगी तो ये क्या खाएंगे गोकुल लुकड अराउंड द पीपल सिटिंग नियर बाय लोगों को देख रहा था जो उनके आस बैठे थे सम वन डोजिंग वाइल्ड हडल्स टुगेदर टॉकिंग कुछ डोजिंग थे और कुछ क्या कर रहे थे हडल्स टुगेदर टॉकिंग जो हडल हडल मीन्स क्या होता है जो वहाँ पर जमावड़ा था हडल था आपस में बातें कर रहे थे दॉयज वोज वन ग्रुप ऑफ मैन एक आदमियों का ग्रुप था जिसके क्लोज में बच्चे चले गए वन ऑफ देम वेयरिंग अ धोती एन कुर्ता चुविंग पान एक आदमी का जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था तो और पान चबा रहा था स्पीकिंग इन अ हैवी एक्सेंट एक ही एक, एक्सेंट में कह रहा था आज फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वॉक कि हमें कितना चलना पड़ेगा अनदर आंसर दूसरा आंसर कर रहा था कि अटकते हुए मतलब हॉटिंगली अटकते हुए विल साबरमती इन इज इन अहमदाबाद एंड धानी इज़ ऑन मॉम्बे कोस्टाइल सॉरी डांडी एम सो सॉरी डांडी डांडी इज़ ऑन द बॉम्बे कोस्टाइल इफ़ कैलकुलेटेड दैट वुड बी थ्री हंड्रेड एटी फाइव किलोमीटर वो कहता है जो साबरमती आश्रम था अहमदाबाद में ठीक है जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया अब जो डांडी इज जो डांडी है जो उनका नाम था जहाँ पर वो नमक बनाने वाले थे समुद्र के किनारे वो बॉम्बे में है बॉम्बे कोस्टाइल में तो लगभग हो गया तीन सौ पचासी किलोमीटर देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस एज़ एवरी वन सारे के सारे चुप हो गए डाइजेस्टेड द लॉन्ग डिस्टेंस अब वो इस चीज़ को कहते हैं ना डाइजेस्टेड द लॉन्ग डिस्टेंस मेन रियलाइज द डिस्टेंस दे वुड हैव टू वॉक मतलब उन्होंने डिस्टेंस को रियलाइज़ किया कि उनको अभी इतना चलना है एंड बाई माई कैल्कुलेशन द मैन कॉन्टिन्यू इफ वी गो इफ वी गो द वे वी हैव स्टार्टेड वो कहते हैं जैसे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वॉकिंग ओनली मॉनिंग एंड इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग में जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं तो इट विल टेक थ्री और फोर वीक्स तीन से चार हफ्ते लगेंगे ट्रस्ट बापू टू थिंक समथिंग लाइक दिस वो कहते हैं विश्वास करो बापू भी कुछ इसी तरह से सोच रहे होंगे डू यू रियलाइज दैट फॉर ऑल दोज डेज द होल कंट्री विल हेयरिंग एंड थिंकिंग अबाउट अस वो कहता है रिलाइज करो कि एक ऐसा दिन होगा जब कंट्री हमारे बारे में क्या कर रही होगी सुन रही होगी और सोच रही होगी नथिंग कुड हेल्प आर कॉज मोर इट इज़ यूनाइटिंग द नेशन बाय मेकिंग सॉल्ट इट इज़ ही इज़ ट्रूली इज़ अ ब्रिलियंट मैन वो कहते हैं नथिंग कुड हेल्प आर कॉज मोर ही इज़ यूनाइट द नेशन बाई मेकिंग साल्ट उन्होंने नमक बनाने के लिए लोगों को एक कर दिया वो सच में एक ब्रिलियंट मैन है जस्ट एन द बॉयज नोटिस अ टॉल थे मैन कमिंग टूवर्ड्स दैम तभी लड़कों ने नोटिस किया कि पतला लंबा आदमी उनकी तरफ आ रहा है ही स्टॉप नियर दैम उनके पास रुका बोट द बॉयज एंड द मैन लुकड एट ईच अदर बॉयज भी और वो आदमी भी एक दूसरे को घूर रहे थे एस्टॉनिश्ड बिफोर ब्लड ट्रिंग आर्ट टोगेदर वट आर यू डूइंग है अब जोर से वो आदमी बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो गोकुल्स फादर वो कौन थे गोकुल्स के फादर थे गोकुल के फादर थे गोकुल्स फादर हैड ऑल्सो ज्वाइन द मार्च एंड दे डिड नॉट इवन नो उसके फादर ने भी क्या किया था मार्च को जॉइन किया था मीन्स वो जो वाइट रिवर थी उसको प्रोसेशन को ज्वाइन किया था और उनको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं शुक इज़ हैड आई शुड हैव नो यू टू वुड डू सम लाइक दिस उनके पिताजी कहते हैं मुझे पता ही था आई शुड हैव नोन कि तुम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हो वेल नाव इट इज़ टाइम टू गो होम अब तुम लोग घर जाओ आई नो इट इज़ फ़न वो कहते हैं मुझे पता था ये एक फ़न था तुम लोगों के लिए एंड यू वुड लाइक टू गो ऑन बट इट इज़ अ लॉन्ग वॉक तुम दोनों आगे भी जाना चाहते हो लेकिन एक बहुत लंबी यात्रा है वॉक टू डांडी डांडी जाना एक लंबी यात्रा है एंड इट इज़ नॉट फॉर अ स्मॉल बॉयज़ ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है विल यू बी गोइंग गोकुल वॉन्टिड टू नो गोकुल जानना चाहता था क्या तुम जाओगे हिज़ फादर उसके फादर ने सर हिलाया शुक इज़ हैंड कि हाँ मैं जाऊँगा नो आई एम हिज़ फादर शुक इज़ हैंड नो आई एम गोइंग बैक टू विद द अदर्स फ्राम आर विलेज ओके बापू डज़ नॉट वॉन्ट अस टू लीव आर वर्क देअर आर अदर्स हु टेक आर प्लेस एट एवरी विलेज एवरी विलेज एंड टाउन दे गो थ्रू ओके okay. गोकुल ने पूछा गोकुल जानना चाहता था विल यू बी गोइंग क्या तुम भी जाओगे उसके फादर ने सर हिलाया नो आई एम नो आई एम गोइंग बैक टू विद द अदर्स फ्रॉम आर विलेज मैं अपने गांव वालों के साथ ही वापस जाऊंगा बापू डज नॉट वॉन्ट अस टू लीव आर वर्क बापू नहीं चाहते कि हम लोग अपना काम छोड़ें देयर आर अदर्स हु विल टेक आर प्लेस एट एवरी विलेज एंड टाउन दे विल गो थ्रू ओके वो कहते हैं कि जो, जो धान जो गोकुल ने पूछा कि आप भी जाओगे अपने फादर से तो उसके फादर ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं भी अपने गाँव वालों के साथ वापस गाँव चला जाऊँगा क्योंकि बापू नहीं चाहते कि हम लोग अपना काम छोड़ें जैसे हम लोगों ने बापू को यहाँ पे ज्वाइन किया ऐसे ही बापू को विलेज टू विलेज लोग ज्वाइन करते रहेंगे दे एंड टाउन दे गो थ्रू जहाँ से भी वो निकलेंगे बापू को लोग ज्वाइन करते रहेंगे जैसे कहते हैं ना एक गांव से निकले उस गांव के लोगों ने ज्वाइन किया जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचे उनके उन लोगों ने ज्वाइन किया जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे उन लोगों ने ज्वाइन किया तो ऐसे क्या होगा बापू को एक कंपनी भी मिल जाएगी रास्ता भी मिल जाएगा और लोग भी यूनाइटेड हो जाएंगे और नमक के लिए लोगों का एक सहयोग भी हो जाएगा तो इस तरह और बापू नहीं चाहते थे कि लोग अपना काम छोड़ें जो उनकी खेती होती थी कैन वी टेक अनदर लुक एट बापू बिफोर ली वो कहता है कि मैं बापू हम बापू का एक और लुक देख सकते हैं जाने से पहले धानी आस्त एंड ग्स फादर नोटेड धानी ने पूछा और गोकुल्स गोकुल के जो फादर थे उन्होंने सर हिलाया ओके okay. गांधी जी वॉज फास्ट असलिप ऑन अ चार पाई अंडर द शेड ऑफ अ ट्री गांधी जी सो गए थे उनको नींद आ गई थी चारपाई पेड़ के नीचे जो बिछी हुई थी वहाँ पर उस चार पाई के नीचे गांधी जी को नींद आ गई दे गेव हिम वन लास्ट एडमायरिंग ग्लैंस एंड बिगिन द लॉन्ग trudge होम अब उन वो दे गेव हिम आ वन लास्ट एडमायरिंग glance क्या होता है glance होता है किसी की जो उड़ती सी नज़र होती है मतलब उनकी एक झलक पाना और क्या करना एंड द लॉन्ग trudge एट होम थकावट से धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस चले गए means मीन्स बहुत एक थकावट से धीरे धीरे निकल जाना तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ गांधी जी इससे हमें मैसेज मिलता है कि लोगों ने किस तरह से यूनाइटेड होकर एक होकर नमक बनाया किस तरह से हमें ब्रिटिश के टैक्स से आज़ादी दिलवाई और होप यू विल लाइक द स्टोरी ओके थैंक यू सो मच